खैर इसको रहने देते हैं। बाकी का ये जो कटिंग हो मैंने लाल वाली मिर्च ये डाल दी है। अगर आपके पास ये ना हो कलर के लिए तो आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर जो है आज मुझे कसाई खुद बनना पड़ा और मैंने सोचा कि कौन निकाले मशीन और कौन करे के ऊपर। फिर मैंने जो कीमा जो है कटिंग बोर्ड पे जो है और इसे मतलब कीमे की तरह कूट लिया था इस तरीके से। और इसके मैं बना रही हूँ मोमोस। और इसके लिए जो कीमा जो चाहिए था वो मुझे बारीक चाहिए था, तो बस इसी की मैं ये तैयारी कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ये बेल पेपर है रेड वाला, और जैसे ये मैंने कटिंग किया तो इसके अंदर से जो है ना एक हिस्से का ही छोटा सा बेबी निकला। तो बस मुझे ये देख के इतनी खुशी हो रही थी और ना मैंने कहा क्यों ना ये मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। और बस मैं यही सोच रही थी कि मैं इसकी कटिंग करूं या नहीं करूं, इसे हलाल करूं या ना करूं। तो बहरहाल यही चीज़ें मैं देख रही थी। और बस फिर मैंने जो है ये जो कटिंग में कर रही हूँ चिकन चाउमीन। इस तरीके से मैंने बारिश स्लाइस में ये बेल पेपर ग्रीन और रेड जो है कटिंग करके रख लिए हैं साइड में। और ये देखें जी मैं यहाँ पे कटिंग करने लगी हूँ लाल वाली मिर्च ये, और इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी, इससे भी इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और तो जी अब मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ मोमोज़ की चटनी की। और मोमोज़ की चटनी के लिए जो है ये मैंने लिए हैं टमाटर और तलहारी मिर्च। और ये तकरीबन मैंने 5-6 ली हैं तलहारी मिर्च, और जिसे ये कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे जो है तीन टमाटर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने पानी को कुक करने के लिए रख दिया था। जैसे इसमें जोश आया और सबसे पहले जो है मैंने इसमें ये वाली मिर्चें डाली ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। इसको तकरीबन मैंने 2 ही मिनट तेज़ आंच पे रख के कुक किया। तो फिर इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है टमाटर डालना शुरू कर दिए। देखें जिस तरह से इसमें जोश आ गया, और अब मैंने इसके अंदर जो है टमाटर सारे डाल दिए। जैसे ही पानी के अंदर जोश आया और तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट बामुश्किल इसे बनाया है, कुक किया है। और इसे जो है मैं यहाँ पे चूल्हा बंद करके इसे मैं यहाँ से निकाल लूँगी गर्म पानी में से। फिर हम इसका बनाएंगे पेस्ट। और इसके लिए जो है मैंने जो है टमाटरों को छिलकों को जो है ना पील कर लिया था। ये देखें टमाटर के छिलकों को पील कर लिया। और ये मिर्चें जो हैं ये मैंने अलग रखी, और रेड वाली जो मिर्च थी मेरे पास अलग से इसको भी मैंने इसके अंदर डाल के पीस लिया है। रेड वाली मिर्चें तो डालने से पीसने से ये होता है कि इसका अलग अच्छा सा कलर आ जाता है और ये टेस्ट भी मतलब इसका थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल कर जो है ना इसको जो पीस लिया अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लिया था। और जी अब मैंने यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। और यहाँ पे जो है मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाला है। और इसको जो है मैं अच्छी तरह मैं इसे भून लूँगी। और इसका सिर्फ कलर चेंज होने पर बाद में मैंने इसमें अदरक जो है वो जो चॉप की हुई है ये भी मैंने इसमें डाल देनी है। बस फिर इसको अच्छी तरीके से मैं सौते कर लूँगी थोड़ा सा। और इसके बाद जो है जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें जो है 2 टीस्पून जो हैं मैंने इस सोया सॉस के डाले हैं। और एक टेबल स्पून जो है मैंने जो इसमें सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया था। और इसमें जो है मैं एक चमचा जो भर के मैंने चीनी ऐड कर दी है। बस फिर इसे भी मैं मिला लूँगी अच्छी तरीके से और इसे कुक करूँगी। और मैं इतना मतलब इसको कुक करूँगी कि इसमें अच्छे तरीके से जोश आ जाए। और मैं थोड़ा सा इसको भूनूँगी, बाद में मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी। 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया था और दोबारा से इसे मैंने भूनना शुरू किया। और बस इसका जो है पानी जो है ना ड्राई होना चाहिए और चटनी जो हमारी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। बस ये हमारी चटनी इस तरह से रेडी है डम्पलिंग की। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मोमोज़ की। मोमोज़ के लिए जो है मैंने बनाने के लिए इसमें मैंने पहले मैदा लिया है और मैदा जो है मैंने ये इस तरह का 2 कप है भर के जो है वो मैंने मैदा के लिए है। और इसमें 1/2 टीस्पून जो है मैंने नमक डाला है और नमक की बिल्कुल सही क्वांटिटी थी इसकी जो मैंने डाली है। और बस इसे जो है मैंने पानी से घून लिया है। पानी से आटे को ऐसा घूनना है ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो, बस ठीक ही नॉर्मल हो। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस तरह से आटा गूंदा है और इसके ऊपर जो ऑयल लगाकर मैं इसे साइड पे रख दिया है। अब यहाँ मैं डम्पलिंग की फिलिंग रेडी करने लगी हूँ और एक फ्राई पैन लिया है और यहाँ पर जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल डाला है बस। और इसके अंदर जो है अदरक और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था थोड़ा मोटा मोटा और इसको मैंने डाल के सौते कर रही हूँ। और इतनी देखें मीडियम इस तरह की लो फ्लेम पे जो है मैं इसे सौते कर रही हूँ। इसको सौते करने के बाद यहाँ मैंने हरी प्याज जो होती है उसकी प्याज डाली है, इसको भी डाल के मैंने थोड़ा सा भुना है। अब मैं यहाँ पर जो है गाजर डाल रही हूँ। गाजर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ज़ाहिर ये डम्पलिंग की फिलिंग में जाएगी तो बिल्कुल सख्त नहीं अच्छी लगेगी, तो इसलिए इसे भी मैंने साथ डाल के सौते कर लिया। तो इन चारों चीज़ों को जो है ना मैंने चारों चीज़ों के साथ डाल के सौते कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट में मैंने ये सारा प्रोसेस किया है और फिर मैंने इसको भी साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे जो है एक बाउल लिया है और ये जो मैंने कीमा कूटा था, ये थोड़ा कीमा 1 पाव से ऊपर का था तो ये कीमा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जो है मैंने ये डाला है जो मैंने चारों चीज़ें जो सौते की हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और ये इस तरह की बारीक कटी हुई थोड़ी चकोर ट्यूब में शिमला मिर्च और हरा प्याज और बंद गोभी जो है बारीक कटी हुई सारी चीज़ें बारीक बारीक कटी हुई वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ऐड कर दिया इसके अंदर। बस इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं चमचे की मदद से जो है इसे मिला लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखें ये मैंने मिला लिया है। अब बस ये डम्पलिंग की फिलिंग जो है हमारी रेडी है। और यहाँ पे जो है मैंने आटा के पेड़े बना लिए थे छोटे छोटे और यहाँ मैं डम्पलिंग बना रही हूँ। और इसके लिए जो है मैंने ये छोटे पेड़ों की जो है रोटी को बेला है और इसको इतना बेला है कि मेरा काउंटर जो है नीचे का ये नज़र आ रहा है। इतनी पतली मैंने इसको रोटी को बेली है, जितनी पतली आप बेल सकते हैं बेलें। और फिर इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने जो है इसके अंदर फिलिंग 1 चमचा भर दी थी। और इस तरीके से मैं प्लेटें बना के छोटे छोटे इस तरह से पूरी राउंड गोल में घुमा दूंगी। और इस तरीके से ये हमारा मोमोज जो है ये रेडी हो जाएगा। मोमोज बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसा चाहे शेप में बना सकते हैं, तो मैंने इस तरह से और डिफरेंट शेप में भी बनाए थे। पर यह काम मैंने अकेले नहीं किया था मोमोज बनाने वाला, इसके लिए तो मेरे साथ में मेरी हेल्प के लिए मेरी अम्मी लगी थी, क्योंकि ये बहुत टाइम वाला काम था जो मैंने बस मेन्यू डिसाइड कर लिया था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। खैर तो बस फिर मैंने इस तरह से बना लिया था। आप देख सकते हैं कि ये मेरे मोमोज किस तरह के रेडी हुए हैं। अब यहाँ तैयारी हो रही है फ्रूट योगर्ट की। फ्रूट योगर्ट जो है मैं अलमराई की दही से बना रही हूँ। और अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान वाले जो है नेस्ले के दही से बनाएंगे, इसमें डेयरी का दही बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा वरना फ्रूट योगर्ट जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। तो जी बस इस तरह की मैंने 2 पैकेट ले लिए थे दही के। और इसमें जो है मैंने जो मेरे पास हाफ जो है कंडेंस मिल्क रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। कंडेंस मिल्क भी बस जितनी आपको मिठास चाहिए आप उतने ही ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बहरहाल इन चीज़ों को डाल दोनों चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। और यहाँ पर जो है मेरे पास जो फ्रूट रखे हुए हैं, ये फ्रूट मैंने पहले से कटिंग करके रखे हुए थे, तो इसमें जो है मैंने फ्रूट को भी ऐड कर दिया है। फ्रूट को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पहले से जेली जमा के रखी हुई थी, ये जेली मैंने इसके अंदर ऐड की है। और यहाँ पे मैंने किशमिश डाले हैं, और आप जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और बस इस तरीके से हमारी फ्रूट योगर्ट जो है रेडी हो गई थी। अब बारी है चिकन चाउमीन की। चाउमीन के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें जो है मैंने चिकन जो है मतलब लंबी कट करी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। बस ये चीज़ें चिकन डाल के जो है मैं अच्छे से भून रही हूँ। इतना मैंने इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें जी, इसका कलर चेंज हो चुका है और चिकन जो है हमारी अच्छे से भून भी चुकी है। चिकन को तेल में भूनने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है। ब्लैक पेपर जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और अभी मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा बाद में डालूँगी बाद में मैंने। और इसके बाद जो है मैंने इसमें सैलड डाला है, और इसे भी डालकर मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और ये जो हमारी बेल पेपर जो है कटी हुई रखी हुई है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसको डालने के बाद जो है मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर भी मैंने 1 चमचा भर के डाला है। बाद में मैंने दोबारा से ब्लैक पेपर डाला है। यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाला है, और यहाँ पर जो है मैंने हॉट चिली सॉस डाला है। ये भी अच्छा खासा मैंने इसमें डाला था, इससे भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। और यहाँ कुटी हुई मिर्च हमारी रह गई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड करी है। कुटी हुई मिर्च आप चाहें तो आप ना डालें। बस इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे जो हमारी स्पेगेटी और या फिर बनती वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ डालने के बाद मैंने पहले तो इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, और बाद में जो है मैंने इसमें केचप डाला। अच्छा, केचप जो है इस वक्त मेरे पास कम था, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। मैंने जो है यहाँ पे कम डाला है। तो बस ये हमारे और जी ये देखें हमारे सारे मोमोज बना के इस तरह के रेडी हो गए हैं। अब एक पतीले में मैंने जो है पानी थोड़ा सा डाला, और इसको स्टीम देने के लिए मैंने तैयारी की। ये देखें इस तरह से पतीले में नीचे पानी था, और इस तरह छन्नी रख के मैंने इसको स्टीम दिया है। और ये तकरीबन 20 मिनट में ये हमारे रेडी हो गए थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारी मोमोज बने हैं, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये था आज का हमारा ये इफ्तार मेनू, और आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और आप लोग भी ज़रूर इस तरह की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।